और पी को कंबाइन कर दोगे तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में भी 8। बट अब देखो बच्चा, फोर्थ पीरियड में 2 एलिमेंट यहाँ पे हैं और 6 एलिमेंट यहाँ पे हैं और 10 एलिमेंट यहाँ पे हैं, तो टोटल कितना हो गया? 18 हो गया। क्या हो गया बच्चा? 18। तो ये याद रखना, टोटल पीरियड्स आर व्हाट? 18 फोर्थ पीरियड है बच्चा। और फिफ्थ पीरियड में जाओगे तो फिफ्थ में भी देखो कितने हैं, मतलब एलिमेंट्स 18। देखो यहाँ पे काउंट कर लो बच्चा, सब सिस्टमेटिक चल रहा है, 2 इधर, 8, 10 इधर और 6 इधर। और जब सिक्स पीरियड में जाओगे तो चलो सिक्स पीरियड में काउंट करो, जल्दी से काउंट करो। सर 32। शाबाश बच्चा, वेरी गुड। 32 सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे देखो 55 56 57 57 के बाद सीधा 72 एलिमेंट चालू हो रहा है, बट वो 58 से लेकर मैंने पीरियडिक टेबल में बताया था, तो वो एलिमेंट्स यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो ये 18 एलिमेंट्स हो गए और ये 14, तो 18 और 14 काउंट करोगे तो 32 हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। वेरी गुड, यस। तो यहाँ पे 32 एलिमेंट दिखेंगे बच्चा, ध्यान में रखना, गड़बड़ ना करना, जानबूझ के मैं बता रहा हूँ, पूरा एकदम बेसिक के साथ निचोड़ के एक एक कंसेप्ट दे रहा हूँ बच्चा। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन हीलियम, सेकंड पीरियड में 2 इधर 6 इधर 8, थर्ड में 2 इधर 6 इधर 8, बट फोर्थ में जाओगे तो 18 हो जाएगा, सिक्स में फोर्थ पीरियड में जाओगे तो 18, फिफ्थ पीरियड में जाओगे तो 18, सिक्स पीरियड में जाओगे तो 32 और सेवन्थ में भी 32। तो एक नंबर याद रख लेना, हॉरिजॉन्टली बोले तो नंबर क्या है बच्चा? 2 8 8 2 8 8 18 18 32 32, सिंपल नंबर है बच्चा। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है बच्चा, फोर्थ, और ये फिफ्थ पीरियड है, और 32 सिक्स पीरियड और सेवन्थ 32। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो बार 8 2 8, 2 बार 18 18 और 2 बार 32 32, मतलब 2 एक बार, बाकी सब 2 जो नंबर है ना सबको डबल डबल कर दो, 8 8 2 बार 18 18 डबल डबल और 32 32 डबल। तो 6th और 7th वाले पीरियड में थोड़ा अलर्ट रहने का, और 4th वाले में, तो मतलब बात ये है ना कि क्रिकेट का 4th वाला राइट, चौके पे जरा अलर्ट रहना है और सीधा छक्के पे अलर्ट रहना है। तो ये 4 और 6 की कहानी है, तो इसके ऊपर जरा अलर्ट रहना है। तो जैसे ही फोर्थ पीरियड आता है बच्चा, देखो फोर्थ पीरियड आता है तो डी ऑर्बिटल आता है, और जब सिक्स पीरियड आता है छक्का, तो यहाँ पे आ जाता है बच्चा एफ ऑर्बिटल। तो ध्यान में रखना बच्चा, डी ऑर्बिटल आएगा तुम्हारे फोर्थ पीरियड से चालू होगा, और जब सिक्स पीरियड आएगा तो क्रिकेट का 4 और 6 याद रखना, तो 6 पे एफ ऑर्बिटल आएगा बच्चा, डीएफ। तो दीवान फाइनेंस बच्चा, एक है ना डीएफ, डीएचएफएल है, तो डीएचएफएल एक बैंक है, दीवान फाइनेंस, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, क्रिकेट सी से क्रिकेट, चौका और छक्का याद रख लेना, 4 एंड 6, तो 4 में डी आएगा 4D, और 3D से अभी 4D का जमाना चल रहा है बच्चा, 4D है ना, 5D अभी आ रहा है राइट, यस ऑर नो? 3D 4D 4D और 5D, हाँ कि ना? और यहाँ पे 6F, तो यहाँ पे 6F। तो बच्चा याद रख लेना, यहाँ पे तुम्हारा दीवान फाइनेंस को याद रख लेना 46 नंबर पे, किस पे 46, जानबूझ के बता रहा हूँ। क्यों बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि डी ब्लॉक फर्स्ट में आता है कि सेकंड में कि थर्ड में? तो डी ब्लॉक की एंट्री होती है ना फोर्थ पीरियड से, और एफ की एंट्री होती है 6th पीरियड से, और जब डी ब्लॉक की एंट्री होती है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-1 n-1d, और इसकी होती है n-2f। तो n-1d और दूसरा हो गया n-2f, तो n-2 n है ना, n बच्चा n, तो 4-1 करेंगे तो 4d हो जाएगा, 5-1 करेंगे तो 5d हो जाएगा,
सिक्स माइनस वन करेंगे तो 60 हो जाए, 4d 5d 60। और उसी तरह से n माइनस टू में जब जाओगे तो 6 माइनस टू होगा 4f हो जाएगा, और 7 माइनस टू करेंगे तो 5f। तो दो सीरीज याद रख लेना, 4f और 5f, 4f और 5f ध्यान में रखना बच्चा, 4f और 5f। तो 4f जो होता है यस वो 6 पीरियड से चालू होता है, और जो 5f होता है राइट वो 7 पीरियड से चालू, हमें ऐसा याद रखना। तो चौका और 6 का जमाना है 4 और 6, और 4 और 6 के साथ जाओगे तो वहाँ पे डी और एफ आएगा, तो 46 डी एन एफ, 46 डी और एफ। क्लियर है बच्चा? चलो अभी जानबूझ के मैं बता रहा हूँ, देखो अभी इसका कमाल देखना तुम, कहाँ पे क्या चेंजेस आने वाला है। अब जो मैं पीरियोडिक टेबल सिखाया तो कहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट काम करेगा, कहाँ पे क्या होगा, वो सब चीजें आज थोड़ा ऐड होगा राइट, आज और अगले लेक्चर में धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। चलो अगला हम कहानी देखेंगे बच्चा, ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कि मैं गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ, गैलियम तो गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो शॉर्टकट में यूज करता हूँ मैं, शॉर्टकट मेथड को AR, एर्गन ले सकता हूँ मैं राइट, AR हो गया, और यहाँ पे 3D 4S ये एलिमेंट ले लिया मैं, 3D एंड 4S, तो AR 3D एंड 4S। अब यहाँ पे 4S में दो इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, ये 18 होता है और ये 2 होता है, और D में अब टोटल में डाल सकता हूँ 10, फिर भी ये 30 हो रहा है, 18 प्लस 10 प्लस 2, तो गैलियम चाहिए 31, ये तो हो ही नहीं रहा है। 30 होना मतलब क्या हो रहा है बच्चा, ZN, ये ZN का एटॉमिक नंबर है जिंक, अगर 30 हो रहा है तो 30 बोले तो 18 प्लस 2 20 और प्लस 10 30 हो गया। बट अब यहाँ से मैं अगर स्किप करूँ यहाँ पे ZN के बाद जिंक के बाद गैलियम पे, तो गैलियम इज अ 31, तो 31 होता है यहाँ पे AR, थ्री टेन फॉरेस्ट, बट गैलियम कहाँ पे प्रेजेंट है, पी ऑर्बिटल, तो लिख दो यहाँ पे 4p 1 लिख दो। तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गैलियम है, प्लीज बच्चा नोट करके ले लो, मैं वापस दोबारा नहीं करूंगा। खास करके गैलियम कुछ अलग चीजें दिखने वाले हैं तुम्हारे केस के बाद, ये बात याद रखना। बच्चा लोग लिख लिया सभी ने? हाँ सर।
ओके, ध्यान देना बच्चा, जेड एन बोले तो इसके अंदर 3D10 है, 3D यहाँ जिंक, 3D10 ऑर्बिटल ना बच्चा, ये बकेट बना के ले लो। हाँ तुम ये बकेट ध्यान में रखना, 3D ऑर्बिटल, इसके अंदर 3D है। और जेड एन के बाद वो गैलियम आता है, तो गैलियम में भी 3D10 आता है, क्योंकि गैलियम तो 3D10 के बाद ही आएगा ना, जिंक के बाद ही आएगा। ये बकेट याद रखना बच्चा, भूलना मत। हाँ ठीक है, ये तीन, ये 3D10 का मतलब स्क्रीनिंग सेल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट बिकम्स पुअर, इसकी वजह से स्क्रीनिंग सेल्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, ध्यान में रखना। लिख सकते हो स्क्रीनिंग सेल्डिंग इफेक्ट बिकम्स पुअर, मैं थोड़े में लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिख, स्क्रीनिंग सेल्डिंग इफेक्ट बिकम्स पुअर। यस बच्चा लोग, बकेट बना के रख लेना बच्चा, ये हमें खाने पीने के बारे में बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि तो बच्चों का काफी कुछ कुछ बच्चों का फास्टिंग भी है, रोजा चल रहा है, ओके, समझने वाले समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 3D10 ऑर्बिटल, चलो अब यहाँ पे देखो बच्चा, अब मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो मुझे पूरा वही जाना पड़ेगा, नियॉन यूज कर सकता हूँ, नियॉन इज द 10, और नियॉन के बाद क्या आ सकता है बच्चा, 3S2 के बाद क्या आएगा, 3P1, और नियॉन का भी मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ऐसा ये भी करके दिखा देता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो बच्चा प्लीज नोट कर लो। अब यहाँ पे इसमें ढूंढो, कहीं डी दिख रहा है क्या, एल्युमिनियम में कहीं डी दिख रहा है, कहीं डी दिख रहा है क्या, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहा है क्या, डी ऑर्बिटल नहीं दिखेगा, चाहे 1s ले लो, चाहे 2s ले लो, चाहे 2p, 3s, 3p के बाद आता है 3d, बट डी में भले उसका पड़ोसी है डी ऑर्बिटल, ऐसी बात नहीं है, डी इसके पड़ोस में ही आता है, पड़ोसी है, बट डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहाँ पे डी बकेट फुल है बच्चा, फुल मतलब बकेट फुल है, इसे मैं 3D10 रखा है, इसको बकेट बना के रखा हूँ, या ड्रम बना दो, डी से ड्रम होता है, या तो डी से डब्बा होता है, डब्बा है, डब्बा अंकल का डब्बा है ना, अंकल का टीवी डब्बा, तो अंकल डब्बा का फुल है, टीवी। हाँ अंकल का टीवी डब्बा बच्चा, ठीक है, एडवर्टाइज मुझे याद है बच्चा, नहीं तो हमेशा करता हूँ, अंकल का टीवी डब्बा डब्बा, ओके, तो ये डब्बा हो गया, ड्रम हो गया है ना, डी ऑर्बिटल यहाँ पे फुल बकेट है बच्चा, फुल भरा हुआ है। और यहाँ पे डी भले अगर मैं रख भी दूँ तो 3D0 रखना पड़ेगा, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकता, आएगा ऐसी बात नहीं है, जब वो ग्राउंड से एक्साइटेड लेके जाऊंगा तो वो अलग मेथड होता है, तब जाता है, बट फिलहाल जब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे डी में तो आएगा नहीं, क्योंकि जब तक फुलफिल ना हो जाए 3P6, 4S1, 4S2 हो जाना होना जाए तब आएगा डी। तो डी ऑर्बिटल की शुरुआत ही जब होती है तो वो 21 से होती है, और इसका एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, राइट तो 13 से तो डी ब्लॉक आता ही नहीं है, एटॉमिक नंबर पहला एलिमेंट जो डी ऑर्बिटल है वो स्कैंडियम है, साइंस का जमाना है, याद रख लो बच्चा, स्कैंडियम इज 21, ठीक है लिख लिया बच्चा, तो यहाँ पे ढूंढ लो कहीं पे भी डी बकेट नहीं दिखेगा, ड्रम नहीं दिखेगा, डब्बा नहीं दिखेगा। अब और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो ये तो हो गया एल्यूमिनियम, एक हो गया गैलियम,
अब उसके ऊपर बोरॉन है, बोरॉन तो बहुत इजी है बच्चा, बोरॉन का तो तुम कर सकते हो, 5 होता है, 1s2, 2s2, 2, और 2p क्या होगा बच्चा, 3, सॉरी 1, यहाँ पे 2p 1। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो, दो इधर है, दो इधर और एक इधर, 5 ही लगे, 2 2 4 और एक 5, 2 2 4 और एक 5। तो यहाँ पे इसके अंदर तो 3s भी नहीं है, 4s भी, 3s के बाद 3p भी नहीं आता है, तो इसके पड़ोसी तो डी आएगा ही नहीं, 3d इसका पड़ोसी कभी नहीं हो सकता। तो याद रखना बोरॉन फैमिली में हमेशा डी ऑर्बिटल इज व्हाट अब्सेंट, डी इज डी ऑर्बिटल, डी डब्बा हमेशा क्या होगा, अब्सेंट होगा। लिखते जाओ बच्चा, बाद में मैं एक ही साथ सब चीजें कनेक्ट करूंगा। तो डी ऑर्बिटल इज द अब्सेंट इन व्हाट बी बोरॉन, क्योंकि इसका पड़ोसी है बट दूर दूर तक इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक मेरे ख्याल से सभी ने लिख लिया होगा, वेरी गुड। तो मैंने बोरॉन के बारे में लिखा, बोरॉन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, और बोरॉन के अंदर अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एल्यूमिनियम में तुम लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, हमने वो भी किया, बट ये मैं बोल सकता हूँ कि एल्यूमिनियम में भले डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो इंटर नहीं आ रहा है पर उसका पड़ोसी है, तो डी ऑर्बिटल बाजू में प्रेजेंट है, ऐसा लिख सकते हो। तो एल्यूमिनियम में डी इज प्रेजेंट, भले उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा बट उसका पड़ोसी है, बट इसका डी पड़ोसी नहीं है, बोरॉन का डी पड़ोसी नहीं है। तो एल का पड़ोसी डी ऑर्बिटल है बट बोरॉन का पड़ोसी डी नहीं, और गैलियम में तो डी है ही भाई, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन ही आता है, तो पूरा ड्रम फुलफिल है वैसा, पूरा डी, 3D है ना, 10 है। चलो इंडियम और थैलियम, इंडियम में भी आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैलियम में आते हैं, थैलियम जो इंटरेस्टिंग थी, थैलियम तुम बोलोगे सर क्या करा रहे आज, देखो बहुत मजेदार करा रहा हूँ, एक ही कंसेप्ट अगले बार कनेक्ट कर दो किसी चीज को, खाली लिख के रखना अपने पास। चलो थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूंगा, इसके लिए शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ मैं, ज़ेनॉन, एक्सिस बैंक है मेरा। इस एक्सिस बैंक में मैं देखो, एक्सिस बैंक AXI होता है, ये एक्सिस बैंक राइट। तो एक्सिस में जाएंगे तो फिक्स डिपॉजिट स्कीम करेंगे, तो एक्सिस बोले तो ये मेरा एक्सिस XE से है, इसमें हम फिक्स डिपॉजिट स्कीम में लगाएंगे पैसा, क्या लगाएंगे, फिक्स डिपॉजिट स्कीम में मतलब लगाएंगे पैसा। अब यहाँ पे शुरुआत होता है एफ का 4 से, तुम्हारे को पता है अच्छी तरह, मैंने अभी कराया था, एन माइनस 4, 4 से बड़ा नंबर आता है 5, 5 से बड़ा आता है 6, और 6 से बड़ा नहीं बराबर का नंबर 6 6। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे कि इस एफ में 14 इलेक्ट्रॉन डाल दो, यहाँ पे डी में 10 डाल दो, और एस में 2 डाल दो, और ये होता है 54। ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर देख सकते हो, ज़ेनॉन इज 54, ये 14 और ये 10 और ये 2, 14 10 और ये 2,
अब यहाँ पे देखो, चार चार आठ, दो दस, और एक ये छः सात एक आठ, 80 हो रहा है, पर हमको जरूरत है 81, तो पी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और डाल दो। पी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दो बच्चा, ये लो यहाँ पे 4F14, 5D10, 6S2 एंड 6P1O। यहाँ पे देखो बच्चा क्या हुआ, यहाँ पे ये हो गया 6P1, यहाँ पे ये P1O। अब तुम देखो बच्चा, प्लीज लिख लो, पहले ये लिख लो, सभी को समझा होगा, मैंने सबसे पहले भी कराया था पीरियडिक टेबल, जेनॉन के बारे में बताया, एक्सिस बैंक फिक्स डिपॉजिट स्कीम में पैसा, आज की ना बच्चा बताया था, मैंने सिखाया था, याद करो पीरियडिक टेबल। तो 14, 10, 2 और 1, जल्दी नोट करते जाओ। चलो लिख लिया होगा, अब ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट आउट करो बच्चा, यहाँ पे 4F है, फुलफिल्ड है, 5D10, 5D10 का मतलब जेनॉन का अगर करोगे ये सब निकलेगा तो 3D10 आ जाएगा, 4D10 आ जाएगा, साथ में डी ऑर्बिटल यहाँ पे 5D भी आ गया और 4F भी आ गया। अब तुम्हारे को एक ऑर्डर मैंने कल बताया, स्क्रीनिंग इफेक्ट, एस इज ग्रेटर देन पी और डी इज ग्रेटर देन एफ, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे पुअर इसी का होता है, डी और एफ का, यहाँ पे तो पावरफुल होता है थोड़ा, यहाँ पे कम, बट यहाँ पे तो और भी कम हो जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे 14 है और डी 10 है, देख लेना हेलियम में क्या नाटक होने वाला है, ये देख लेना। चलो गैडोलिनियम बताया मैंने, और यहाँ पे तुम जैसे ये एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करूँ तो बोरॉन इज अ मेटालॉइड, बट एकदम बॉर्डर पे जाके ये मेटल नॉन मेटल बन जाता है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इज अ मेटल, यहाँ पे कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम इज अ मेटालॉइड, और टिन और लेड इज अ व्हाट, मेटल। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल, अर्सेनिक, एंटीमनी मेटालॉइड है, बिस्मत क्या है, मेटल है, ध्यान में रखना। चलो अब देखो मैंने काफी चीजें कलेक्ट कर दिया है, चलो एक काम करो, यहाँ पे कार्बन फैमिली का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इनका एक नाइट्रोजन जैसे कि NH2, NH2, NP 1 से लेकर 6 तक, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलता है। तो बोरॉन के बारे में बात करूं तो वहां पे बोरॉन के लिए क्या होगा, NH2 होगा, और NP क्या हो जाएगा बच्चा, 1 होता है। कार्बन में जाऊंगा तो NH2 NP2 हो जाएगा, नाइट्रोजन में जाऊं तो NH2 NP क्या होगा बच्चा, C हो जाएगा। तो इस तरह से एक कॉमन चलेगा NH2 NP1, राइट। तो बोले तो NS ऑर्बिटल और NP ऑर्बिटल, और NS में 1 से लेकर 2, 2 और NP में 1 से लेकर, ये एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे तुम देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैंने इतना सब बताया, तो अगर बोरॉन फैमिली आ गया, जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है,
डेलिया में, इंडिया में और यहाँ पे थैलिया में। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इनमें प्लस 8 ऐड कर 13 हो जाए। इसमें ग्रुप भी 13 होता है बोरॉन, ये 31 को अल्टी पल्टी कर दो 31 हो जाता है। और इसी में एक और एक आइडिया लगाए तो इसमें 18 ऐड कर दो, 18 13 31 हो जाता है। इसमें जब हमने 18 ऐड किया तो इसमें भी 18 ऐड कर दो, ये बन जाएगा 49। और जब इस 49 में हम ऐड करेंगे 32 तो ये बन जाएगा 81। देखो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इसका एटॉमिक नंबर। ये ट्रिक से तुम ये कर सकते हो एटॉमिक नंबर। तो बोरॉन 5 है, एल्यूमिनियम 13 है, गैलियम 31 है, इंडियम 49, थैलियम 81। तो इसी के बाजू में आता है कार्बन, और एल्यूमिनियम के बाजू में आता है सिलिकॉन, और गैलियम के बाजू में आता है क्या आता है बच्चा, जर्मेनियम। तो ये 5 होगा तो कार्बन 6 हो जाएगा, एल्यूमिनियम 13 है तो सिलिकॉन 14 हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 3 लेट, ये हो गया एलिमेंट, और ये एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। तो बच्चा मैं जरूर चाहूंगा कि तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार रीड करो प्लीज, फिर मैं आयोनिक रेडा ही एक्सप्लेन करूंगा, इसका एटॉमिक रेडियस। जल्दी यहाँ
ओके यस मेरे ख्याल से सब रीड कर लिया होगा स्टूडेंट्स, रीड कर लिया कि नहीं वो बताओ मुझे। ये पेज सभी ने रीड किया? चलो मैं मौका दे रहा हूँ, कोई डाउट है इस पेज पे कुछ मेरे से क्वेश्चन कर सकता है। 9.1 प्रॉब्लम पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। यहाँ पे तुमने कुछ पढ़ा? अब देखो मैं एक चीज और बताता हूँ, मोस्ट ऑफ एलिमेंट जो पाए जाते हैं नेचर में, जैसे कि एक गोल्ड होता है AU और एक प्लेटिनम होता है। AU और प्लेटिनम है ना, ये हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है, नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। और एक पार्टली होता है सिल्वर, मर्क्यूरी और कॉपर। तो पार्टली मिलता है, बच्चा ये भी थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो पार्टली ये फ्री स्टेट में मिलता है और ये पूरी तरह से फुल्ली स्टेबल मिलता है, मतलब सॉरी फुल्ली बोले तो पूरी तरह से क्या होता है, फ्री स्टेट में मिलता है। ये मेटल के बारे में। और एक होता है कार्बन, नॉन मेटल है। और एक होता है सिलिकॉन, ये भी नॉन मेटल है। और एक होता है नोबेल गैसेस, हीलियम, नियॉन, एर्गन, क्रिप्टॉन, वो सब। तो ये नॉन मेटल होते हुए ये सब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कार्बन, सिलिकॉन एंड नोबेल गैस। बाकी तुम कुछ भी देख लो एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बॉक्साइट, एलुमिना, तो एल्यूमिनियम पाया जाता है, बॉक्साइट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये सब कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। तो फ्री स्टेट में मिलता है गोल्ड और प्लेटिनम और थोड़ा बहुत पार्टली ये सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर पाया जाता है फ्री स्टेट, राइट। और बाकी नॉन मेटल में अगर बात करूँ तो कार्बन और सिलिकॉन होता है, राइट, और नोबल गैसेस पाया जाता है, ध्यान में रखना बस। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अगला, अब यहाँ पे देखो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15। तो कुछ एलिमेंट्स डायटोमिक फॉर्म करता है, मतलब जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन हो गया N2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा एटॉमिक भी दिखेगा ओजोन O3 करके, राइट। सल्फर, सल्फर तो मोनो एटॉमिक में रहेगा, बट सल्फर भी है ना एलोट्रॉपी फॉर्म करेगा, राइट, जो एलोट्रॉपी में भी देखने को मिलेगा तुम्हारे को ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर, राइट। एक बड़ा बच्चा यहाँ पे, तो उसी तरह से नाइट्रोजन हो गया N2 फॉर्म में लिखा जाता है, और बोरॉन देखो तो सिंगल फॉर्म में लिखा जाएगा बोरॉन, राइट। तो बोरॉन के बारे में तुम देखोगे कि यहाँ पे ना इसके दो फॉर्म होंगे, एक क्रिस्टलाइन होता है, एक एमोर्फस होता है। क्रिस्टलाइन जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है बोरॉन, जो एमोर्फस होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो बोरॉन भी देखो दो फॉर्म में दिखेगा, एक एमोर्फस और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म, राइट। फिर एल्यूमिनियम भी देखोगे तो वो भी बोले तो मेटल है, बट वो भी ज्यादा रिएक्टिव नहीं, बोले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड फॉर्म करता है। उसके साथ एक उसका फ्रेंड है क्रोमियम, क्रोमियम भी वही एल्यूमिनियम जैसा ही काम करेगा, और एक मर्क्यूरी, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं बच्चा, प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड, तो मेटल के ऊपर सरफेस के ऊपर ऑक्साइड लेयर बना देते हैं, फिर जल्दी से किसी चीज को रिएक्ट होने से रोकते हैं। तो एल्यूमिनियम हो गया, तो ये हो गया एल्यूमिनियम के साथ एक क्रोमियम और मर्क्यूरी भी दिखेगा दिखेगा। तो ये हो गया बोरॉन के बारे में। देखो सब एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ बच्चा, बोरॉन जो होता है वो इस बुक में नहीं मिलेगा, ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, ब्लैक कलर का सॉलिड, कलर्ड सॉलिड होता है ब्लैक कलर, ओके। तो ब्लैक कलर का मतलब और हार्डर मेटल होता है, बोरॉन इज अ हार्डर मेटल। और पूरे पीरियोडिक टेबल में हम जब डिफर करेंगे तो बोरॉन है ना कुछ एल्यूमिनियम से, गैलियम से, इंडियम से और थैलियम से, कुछ हटके ही दिखेगा, ये कुछ हटके ही रहेगा, देख लेना बच्चा। तो बोरॉन कुछ हटके ही दिखेगा, इसकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज दिखेगी। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 88 होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक रेडियस। एल्यूमिनियम है ना कुछ 143 मिलेगा, और गैलियम 135, ओ माय गॉड, ये तो बढ़ना चाहिए था, कम हो गया। और इंडियम 167 पिकोमीटर, मतलब पिकोमीटर में दिया है,
और ये 170 पिकोमीटर दिया हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि बोरॉन इज 88, एल्युमिनियम 143। वाह क्या प्यारा नंबर है 143, ध्यान देना बच्चा, बोलना मत। तो 143 में से ये 4 हटा देंगे तो भी ये 13 ग्रुप हो जाता है, राइट। और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर भी 13 है, और देखो कितना प्यारा नंबर है, 13 के बीच में 4 प्लस कर दिया, 143। वाह हंसी आ रही होगी तुम लोगों को। तो खैर, तो यहाँ पे 143, 135, अब 88 से ये 143 हुआ। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है बच्चा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज इंक्रीज। जैसे देखना है तो तुम पेज पलट के देख सकते हो टेक्स्ट बुक में, ग्रुप वन में चले जाओ, सोडियम लिथियम पोटेशियम वाले, तो देखोगे लिथियम का साइज छोटा होगा, फिर सोडियम का बड़ा होगा, पोटेशियम का और बड़ा, फिर रुबिडियम का और भी बड़ा, और सीजियम का और भी बड़ा। तो एक फ्लो में गया है बच्चा, छोटा बड़ा 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 बड़ा, और यहाँ पे भी फ्लो में जा रहा था, छोटा था साइज बोरॉन का, फिर एल्यूमिनियम का बड़ा हुआ, फिर 135 गैलियम का और बढ़ना चाहिए था, बड़ा ना होके छोटा हो गया, फिर बढ़ गया कि छोटा, मतलब बढ़ गया मतलब 170, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, 167 और 170 में छोटा सा डिफरेंस हुआ, बड़ा बड़ा तो एकदम, बट छोटा सा, कहाँ 88 से 143 हुआ और कहाँ ये 167 से 170 जा रहा है, 3 का डिफरेंस रहता है। तो सबसे छोटा साइज ये है और सबसे बड़ा फिर ये साइज, और फिर वापस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए गैलियम का साइज, बट ये क्या है, देखो कम हो रहा है, अब ये छोटा हो गया, क्यों ऐसा हुआ। अब देखो तुम देखोगे ध्यान से, तो गैलियम के आगे एक एलिमेंट दिखाया था जिंकू, और ये बोले तो डी डब्बा इसका क्या था, फुलफिल्ड था। तो गैलियम का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किया, तो अब ये साइज क्यों छोटा हो गया बड़ा होने की जगह, बिकॉज ऑफ 3d ऑर्बिटल आ गैलियम में, एल्यूमिनियम में तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, और यहाँ पे डी ऑर्बिटल फुलफिल हो गया बच्चा, और डी ऑर्बिटल फुलफिल होने के वजह से जिंकू आने के वजह से, राइट, ZN 3d आने के वजह से, फुलफिल्ड होने के वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा, याद आया बच्चा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये बाहर का है, ये बाहर और ये बाहर, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट करेगा इस न्यूक्लियस, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये सबको अपनी तरफ खींचेगा, अपने चक्कर में फंसा के रखेगा, ये ओ ए और ये ओ बी और ये ओ सी, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, बट सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इसके बीच में होगा, ओ ए के बीच, कंपेयर टू ओ बी कंपेयर टू ओ सी, और ये सी को भी अपने चक्कर में फंसा के रखेगा, ये बहुत बड़ा है वो है समझ लो, इसके इर्द गिर्द सब इलेक्ट्रॉन को घुमाएगा, सबको अपने चक्कर में डाल के रखता है न्यूक्लियस से, तो ये भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत इससे अट्रैक्ट होगा, बट अगर इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल होगा तो ये अंदर आना चाहेगा तो ये रोक देगा, दूर कर देगा, आउट बोलेगा, आउट, मैं इधर खड़ा हूँ, मैं इधर अंदर जाना चाहता हूँ, तो मुझे ये आउट करता है इनर्शिप, तो मेरे होते हुए तो अंदर दे सकता है। तो अगर याद आया बच्चा लय भारी, ये जेड इफेक्ट है, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू व्हाट स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो डोमिनेट अगर करेगा जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर डोमिनेट करेगा किसको, सिग्मा बॉन्ड मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा, तो क्या होगा, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह से नहीं आएगा बट धीरे धीरे खींचेगा, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट का जादू चलेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट लय भारी, तो जेड इफेक्ट का काम कम हो जाएगा, मतलब उसका पावर कम हो जाएगा, तो स्क्रीनिंग क्या करेगा, उसका पावर चलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, दूर करेगा, राइट, तो यहाँ पे अट्रैक्शन कम करेगा इसका न्यूक्लियस के साथ, याद रखना। तो अब क्या होगा कि जैसे ही 3D आया, एल्यूमिनियम में क्या हुआ कि 88 बोरॉन था, फिर एल्यूमिनियम साइज बड़ा हुआ तो दूर गया, साइज बड़ा हुआ टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल बढ़ गया, गैलियम में गए तो वापस से नंबर ऑफ शेल बढ़ा, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे गैलियम में आए तो वहाँ पे 3D ऑर्बिटल इंटर हो गया, और 3D 10 था वो भी फुलफिल्ड था, तो जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाएगा, और पुअर होने की वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मौका मिल जाएगा, क्या अंदर का गार्ड वीक हो जाएगा, मतलब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर, ये पुअर होने की वजह से यहाँ पे जेड इफेक्ट का पावर बढ़ जाएगा, लय भारी हो जाएगा, फिर ये बाहर वाले के इलेक्ट्रॉन के साथ ये थोड़ा सा इसको खींच लेगा अपने अंदर, भले वो ज्यादा अंदर नहीं आएगा बट थोड़ा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, मतलब सॉरी अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूर से दूर जाने की जगह पे अंदर आ जाएगा,
इसलिए यहाँ पे साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो। तो अगर कभी भी बोलेगा गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच में ये साइज क्यों ऐसा डिफरेंस आया, तो रीजन याद रखना, 3d ऑर्बिटल इज प्रेजेंट एंड दैट d इज अ फुलफिल्ड, d ऑर्बिटल इज फुलफिल्ड, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग शेल्डिंग इफेक्ट बिकम्स पुअर, और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा अंदर, मतलब गार्ड क्या हो गया यहाँ पे, सो गया और चोर अंदर आ गया थोड़ा सा चोरी करने के लिए, ऐसी कहानी है बच्चा। तो इसने मैंने पहले ही सब चीजें कनेक्ट किया, ठीक है बच्चा, सभी को समझा क्या, पहले वो बताओ क्यों एल्यूमिनियम का साइज बड़ा हुआ और गैलियम का बढ़ना चाहिए था बट छोटा हो गया। तो ड्यू टू द वॉट स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, 3D is what fulfilled due to the poor shielding effect and 3D is what fulfilled. बच्चा क्विक रिप्लाई दोगे जल्दी से, चलो जल्दी बताओ मुझे, सभी को समझा क्या, हाँ कि ना? ओके हाँ सना, क्या बात है, वेरी गुड, यस मल्लिका, वाओ निर्मति, ओके अंजलि एंड एशम, वाओ, और बच्चा स्नेहल, ओ वाओ बहुत बड़ा, यस रजत, ठीक है ऐसा से बहुत अच्छे से समझाओ, मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सही में अच्छे से आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू तुम्हारे रिप्लाई की, तुम्हारा रिप्लाई आता तो तुमसे एनर्जी आता है। तो ये अब कभी अगर एमसीक्यू आया ऑर्डर में तो दो तीन ऑर्डर अलग अलग देखे, तो खाली खाली एमसीक्यू में अगर साइज बोलेगा तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, थैलियम का थाली, इसको ऐसा भी याद रख सकते हो, बैगन आलू गाजर इन थाली, तो थाली बड़ा होगा बच्चा, क्योंकि थाली के अंदर बैगन आलू डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे ना, छोटा छोटा, राइट। अब बैगन के थाली के अंदर, मतलब बैगन में तो थाली नहीं डालेंगे बराबर, वो तो छोटा है, तो थाली बड़ा है याद रखना, तो थाली के अंदर तो इन, तो थाली के बाद इन आता है, और इनके बाद क्या आता है, गाजर, राइट। तो गाजर, अब यहाँ पे गाजर और एल्यूमिनियम में थोड़ा सा इंटरचेंज कर देना बच्चा, तो एल्यूमिनियम को आगे ले लेना और गाजर को पीछे कर देना, यहाँ पे गाजर आ जाएगा और यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाएगा, तो ऑर्डर ऐसा बनेगा, थैलियम इज ग्रेटर देन इंडियम, यस ओके बच्चा लोग ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तुम्हारे को चेंजेस मिलेगा, थैलियम इज ग्रेटर देन इंडियम, इंडियम के बाद क्या आएगा, एल्यूमिनियम, और फिर उस एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, और लास्ट में जाओगे बोरॉन, क्लियर हो गया बच्चा सभी को, ये हो गया एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो इस तरह से साइज तुम्हारे को वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, किसका साइज क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा ना, तुम अगर देखोगे बच्चा काफी बड़ा चेंज दिखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जैसे कि पहले मैं यहाँ पे दिखाने से पहले एस ब्लॉक में लेके जाना चाहूंगा, एस ब्लॉक में यहाँ पे हम जरूर मैं दिखाना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे साइज क्या था, ये टेबल, ये एटॉमिक रेडियस है बच्चा, तो देखो लिथियम 152 है, फिर सोडियम 186 टॉप टू बॉटम, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाता है ना बच्चा, थर्ड शेल फोर्थ सेल फिर फिफ्थ सेल, तो सीधा सीधा साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सोडियम है 152 186 सोडियम, पोटेशियम 227 रुबिडियम 248 और 265 सीजियम, देखो कितना थोड़ा बीच बीच का डिफरेंस तो दिख रहा है ना, कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, और उनके बीच में 167 के बाद 170 छोटा सा तीन का डिफरेंस, और ऊपर से फिर छोटा हो गया 143 के बाद। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दिया हो, ये देखो वाओ 1.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम का, फिर सोडियम का 0.9 है, के का 0.8 है, रुबिडियम भी 0.8, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट है, के और आरबी इज व्हाट सिमिलर, और फिर सीजियम देखेंगे तो 0.7। उसी तरह से यहाँ पे बेरिलियम ग्रुप 2 है 11 60 97 215 220, कहीं पे भी ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं आया, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है,
और उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5, मैग्नीशियम 1.2, कैल्शियम 1.0 है, फिर स्ट्रोंसियम 1.0 है और बेरियम 0.0, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। बट अब थेलियम देखना क्या करने वाला है, जबकि बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है बच्चा, राइट? बोरॉन तो है ही, बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ही बच्चा, बट उसके बाद क्या आना चाहिए? एल्यूमिनियम, बट एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, थैलियम की ज्यादा आ जाएगी, इसकी आ जाएगी थैलियम। देखो ये सब एक्सेप्शनल केसेस है बच्चा, ऐसा देखा गया, ये सब पाउली एक्सक्लूजन वाला है ना, ये सब बोले तो बच्चा क्या हुआ, ये सब एक्सेप्शनल केसेस में चला गया। तो बोरॉन है, देखो बोरॉन का साइज यहाँ पे दिया है एटॉमिक रेडियस 88, 143, ओ वाओ, 135 और 167, 170 चेंजेस। तो यहाँ पे ऑर्डर मैंने बताया, एक्सेप्शनल केस चेंज हुआ, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो बोरॉन इज 2.0, एल्यूमिनियम 1.5, ओ माय गॉड, गैलियम 1.6, ये तो क्या हो रहा है, डिक्रीज से फिर इंक्रीज हो रहा है, पर वापस से 7 डिग्री इंक्रीज हो रहा है 1.8, ओ वाह 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 वाह। तो ये सब एंट्रेंस में आता भी ऑर्डर है, सबसे पहले तो बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसके बाद क्या आएगा, थैलियम, थैलियम के बाद आएगा इंडियम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है बच्चा। अब इंडियम के बाद जब जाओगे तो देखो बोरॉन इज 2.0, तो बोरॉन रखा, 1.8 पे थैलियम है, 1.7 पे इंडियम है, राइट? ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, और एक बचा बचा ऊपर 1.6, नीचे से जानेंगे गैलियम, गैलियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, यहाँ पे माय गॉड, ये तो पूरा का पूरा एकदम बोलते हैं हटके हो गया पिक्चर, कुछ अलग ही हो गया। तो ऐसे सब चीजें देखने को मिलेगा बच्चा, ठीक है? अब इसमें एक इनर्ट पेयर इफेक्ट है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट अगले लेक्चर में होगा। क्यों, क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके दिखाया था ज़ेनॉन, राइट, 81 वाला थैलियम, तो होता क्या है कि उसके अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है, तो वो चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे, मतलब कल नहीं, आने वाले लेक्चर में, हो सकता है एक दो लेक्चर में एक्स्ट्रा बिठाऊँ भी, तो आगे आगे मैं बढ़ाऊँगा। तो बस कहानी आज की मैं यहीं पर स्टॉप करूँगा, ठीक है? तो नया पार्ट लेके मतलब नहीं है, ओके? यहाँ पे तुम ये देख सकते हो, खाली एक क्वेश्चन जाने से पहले, व्हाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ व्हाट एल्यूमिनियम, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द एडेड व्हाट न्यू शेल, एल्यूमिनियम डज नॉट हैव द इलेक्ट्रॉन्स, एज वी गो फ्रॉम एल्यूमिनियम डाउन टू गैलियम द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 18 यूनिट्स, आउट ऑफ द 18 इलेक्ट्रॉन एडेड देन व्हाट 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द इनर 3D सबशेल, तो डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफर पुअर शील्डिंग इफेक्ट, देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज एक्सपीरियंस्ड प्रोमिनेंटली बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ व्हाट गैलियम, like its atomic radius becomes smaller than what aluminium, इससे aluminium से क्या हो जाता है, atomic radius क्या हो जाता है gallium का, छोटा, because of d orbital, वही reason है, देखो question भी आया है, ठीक है? तो अगली कहानी अगले story में अगले lecture में, तो बस आज के लिए काफी है बच्चा लोग, thank you everyone, bye bye, जा सकते हो तुम लोग, thank you, bye sir, thank you sir, bye बच्चा, bye 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 everyone.